हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नई ब्लॉग में। तो अभी 27 तारीख हो गई आज तो, और स्कूल खुलने में 2-3 दिन का समय बचा है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार सेवाड़ा यानी कि ननिहाल जा करके आते हैं। तो आज चलते हैं वहाँ पर। और आज बारिश का भी मौसम हो चुका है, और भी बजने को आया है शाम को 3:30 बजे, यानी कि दोपहर को 3:30 बजे। हम हेलमेट वगैरह ले लेते हैं और निकलते सीधा ननिहाल की तरफ, क्योंकि फिर स्कूल वगैरह खुल जाएगी तो ननिहाल जा नहीं पाएंगे। और भी काफ़ी समय हो गया वहाँ पर गए हुए। वहाँ पर जाते हैं और भोलानाथ जी के दर्शन करके वहाँ से आते हैं। जब भी जो ये तूफान वगैरह चक्रवात आया, जिसकी वजह से जो हमारे पशुओं के जो बांधने का जो संपरा था यानी कि ओला था, वो पूरा टूट चुका है यानी कि क्षतिग्रस्त हो चुका था। तो हमको क्या किसी ने चैलेंज करा कि भाई आप इसको दोबारा नहीं बना सकते, या फिर वैसा का वैसा आप नहीं बना सकते। तो हमने चैलेंज को एक्सेप्ट करा, और एक्सेप्ट करके उसके जैसा जैसा कुछ चाहिए ऐसा बना दिया है इनके पशुओं के लिए, ऐसा का ऐसा। इसके लिए हालांकि थोड़ा समय लगा, 4-5 दिन का समय लगा, लेकिन हमने ऐसा जैसा बना करके तैयार कर दिया है। अभी मौसम बड़ा अच्छा और सुहाना हो रखा है। मैं जा रहा हूँ बाइक पर, क्योंकि बस वगैरह में ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है और हेलमेट सबसे ज़रूरी है, इसलिए मैंने हेलमेट पहन लिया है। और अभी चलते हैं बाइक को ऑन करके फटाफट, क्योंकि फिर बारिश ना आ जाए। चार रास्ता के ऊपर लगा पड़ा है पूरा जाम, रास्ता जाम हो रखा है। यहाँ सर सीधे सीधे पीछे और बाइक आ गए। लगता है यहाँ पर अभी भी जस्ट बारिश हुई, खेतों में अभी तक पानी पड़ा है, सड़क पर भी पानी पड़ा है। ये देखो रोड पूरी भीगी हुई है बारिश है। ये अच्छा हुआ कि मैं यहाँ आया इससे जस्ट पहले, अभी जस्ट बारिश कमी है। क्या बारिश है भाई साहब! मैं अभी सागर से जस्ट थोड़ा आगे निकला हूँ, यहाँ पर फिर से बारिश शुरू हो गई। अभी जस्ट बारिश चल रही है यहाँ पर, अभी छोटे छोटे छिटके आए हैं, ज़्यादा तो नहीं आए, लेकिन यहाँ से अभी शुरू हो रही है। हम पहुँच चुके हैं सेवाड़ा, और सबसे पहले भगवान शिव जी करते हैं, उनको दर्द वगैरह लगाते हैं, और फिर जाते हैं ननिहाल इनकी घर की तरफ। आने में मेरे को लगभग आधे घंटे से ज़्यादा लग गया, क्योंकि आज थोड़ी बारिश वगैरह थी, तो मैं बाइक थोड़ा धीरे धीरे लेकर के आ रहा था। सबसे पहले ये जय श्री पातालेश्वर महादेव। नानी बना रही थी घर पर आते ही चाय, तो मैंने सबसे पहले पी चाय आते ही चाय। तो अभी हम पहुंच चुके हैं घर पर सेवाड़ा यानी कि ननिहाल, और यहाँ पर भी अभी कभी 5 मिनट बारिश बंद होती है, तो कभी 5 मिनट बारिश चालू होती है। और यहाँ पर मतलब आकर के थोड़ा सुकून वगैरह लगता है, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ हरियाली हरियाली है, थोड़ी शांति वगैरह भी है, यानी कि यहाँ पर ज़्यादा चहल पहल नहीं होती, क्योंकि आस पास बिल्कुल भी घर कम है इसीलिए। और ये देखो ये बिल्कुल शर्मा रहा है, पता नहीं क्यों ये कैमरे में नहीं आता है। यहाँ पर पौधे देखो किस प्रकार लाइन से लगाए गए। ये इनका भी जस्ट ये घर बन करके अभी तैयार हुआ है, यानी कि हमारे घर के जितना काम हुआ उतना को उतना सेम इनके घर का काम हुआ है। अंदर से जितने भी इनकी डिजाइन वगैरह है, घर की कमरे वगैरह, वो सेम टू सेम हमारे घर के जैसे ही है वगैरह, सीढ़ी वगैरह साइज वगैरह लगभग लगभग पूरी की पूरी सेम ही है। भाई बाड़ा जैसे, मतलब ये छोटी नदी का रूप है एक प्रकार, यानी कि इसको बरसाती नदी हम कह सकते हैं। अब ये नाना मेरे नाना जी के घर के जस्ट इनके उनके खेत में ही है, उनके घर से जस्ट थोड़ा सा दूर इनकी वो रहा घर, और सामने दिख रहा है वो, और यहाँ पर जस्ट ये पास में ही है इनकी, 500 मीटर से कम दूरी पर ये छोटी नदी चलती है, यानी कि जिसे बाड़ा कहते हैं हमारी आमचाल बोलचाल भाषा में। और अब की बारिश में इतना पानी आया कि ये पूरी भर चुकी है, इनकी रेत से पूरी भर चुकी है, और ये चारों तरफ के आसपास के खेत वगैरह इनकी घर के आसपास पूरा पानी आ गया था, और पूरा घर तक पानी आ गया था। और ये पूरी कटाव नहीं होने का एक कारण है कि यहाँ पर पौधे लगाए गए लाइन से, ताकि क्या हो ज़्यादा ज़मीन वगैरह नहीं कटे, इसीलिए ये है पौधों का फ़ायदा। और बाकी यहाँ पर आप देख चुके हैं पूरी की पूरी रेत ऐसी लगी हुई है, रेत ही रेत पड़ी है पूरी, यानी कि ये एक प्रकार से हम जो घर में जो चिनाई वगैरह होती है ना, उसमें जो प्लास्टर होता है ना घर का, उसमें जो बजरी यूज होती है जो साण के लेते, वो सेम बजरी जैसी बजरी होती है।
बाकी वाले ये इधर घूम रहे हैं, मेरी नानी वहाँ पर कुछ काम कर रही है, इनकी नील गाय आ गई थी उसको भगा रहे थे सारे मिल करके, कि भाई ये कुछ बाजरा वगैरह को नुकसान नहीं पहुँचाए। यहाँ पर बहुत ही बेस्ट मौसम वगैरह था, बेस्ट सीन आ रहा था, तो हमने यहाँ पर बहुत सारी रीलें वगैरह भी बनाई तो इंस्टाग्राम के लिए। आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर के हम इंस्टाग्राम पर फॉलो कर ले और वहाँ से रील आप जरूर देखें। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर तो जरूर कीजिए, प्लीज़ आप हमें सपोर्ट जरूर करें।